गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म गोल्डन बॉय के नाम से भरा पड़ा है। ओलंपिक समापन के बाद देश में नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ साथ लोग नीरज चोपड़ा को अलग अलग ऑफर भी दे रहे हैं। कोई लग्जरी बाइक गिफ्ट कर रहा है तो कोई शादी का ऑफर दे रहा है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में लोग दिल लुटाए जा रहे हैं। कोई फ्री में पेट्रोल दे रहा है तो कोई फ्री में छोले भटूरे खिला रहा है। इसी बीच हिमालय डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपर्ट कुमार शाहिद ने नीरज को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग का न्योता भेजा है। शाहिद ने वेडिंग प्लान तैयार करते हुए उनकी सगाई के लिए गंगा तट और शादी के लिए केदार घाटी में स्थित त्रिगी नारायण मंदिर को चुना है। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। चोपड़ा यह न्योता कबूल करते हैं तो शादी की साज सज्जा का पूरा खर्च शाहिद स्वयं उठाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैलेक्सी इवेंट के फाउंडर और हिमालय डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपर्ट कुंवर शाहिद ने यह भी बताया है कि नीरज उत्तराखंड में शादी प्लान करते हैं तो वह उनकी शादी में होने वाली सारी सजावट का खर्च खुद उठाएंगे। बताया कि उन्होंने नीरज की शादी के लिए वेडिंग थीम डिजाइन करने का काम भी शुरू कर दिया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की सगाई के लिए उन्होंने पतित पावनी गंगा का किनारा चुना है ताकि मां गंगा का आशीर्वाद उनके वैवाहिक बंधन को हमेशा मजबूत बनाए रखे, जबकि शादी के लिए शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रिगी नारायण मंदिर चुना गया है। कुमार का कहना है कि चोपड़ा अगर उनका न्योता कबूल करते हैं तो यह पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात होगी।